वेलकम टू एशाज यंग आईएएस। इस वीडियो में हम देख रहे हैं हिस्ट्री चैप्टर वन, हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो पूरी एक्सरसाइज सॉल्व है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे है, वो फिल इन द ब्लैंक्स होता है 1A, जो एक्चुअली आपको ऑप्शन दिए होते। तो क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड कम्प्लीट द सेंटेंस। मतलब जब आपको सवाल एग्जाम में आएगा तो आपको पूरे सेंटेंसेज आंसर में लिखने विद द ऑप्शन कोड ऑल्सो। तो हम देखेंगे कैसा है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, इट मे बी सेड दैट डैश वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो इसके चार ऑप्शंस दिए गए हैं और ये एक्चुअली मार्च 2020 के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो ए है वोल्टेयर, बी रेने डेस्कार्टस, सी लियोपोल्ड रैंक एंड कार्ल मार्क्स, डी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कौन है, करेक्ट आंसर इज ए वोल्टेयर। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है पहले ये वाला 1A। तो क्वेश्चन नंबर 1A लिखोगे, फिर उसके वो लाइन छोड़ के, ये आपको पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है, वो लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन पे आप ये नंबर 1 लिखोगे और पूरा ये सेंटेंस कॉपी करोगे। और यहाँ पे जो स्पेस होगा फिल ब्लैंक का, जो ब्लैंक रखोगे आप अंडरलाइन करोगे यहाँ पे, वहां पे ए भी लिखना है और वोल्टेयर भी लिखना है। तो ऐसे करके आप आंसर कंप्लीट सेंटेंस लिखोगे, ऑप्शन सिलेक्ट करके पूरा सेंटेंस लिखोगे, ए वोल्टेयर करके आपको आंसर लिखना है। तो ये फॉर्मेट आपको लिखने का आना चाहिए। तो ये बोर्ड क्वेश्चन है, लास्ट ईयर मतलब इसी साल बोर्ड में आ चुका है। सेकेंड है, डैश रोट द बुक एंटाइटल्ड आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए कार्ल मार्क्स, बी मिशेल फौकॉल्ट, सी लुसियन फेब्र एंड डी इज वोल्टेयर। तो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज बुक किसने लिखी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी मिशेल फौकॉल्ट। तो ये दो जो है ये टेक्स्ट बुक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसके आगे जो जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके आगे जो सवाल है हम अभी डिस्कस करेंगे, वो हमने खुद ने बनाए हैं। और एक्चुअली बोर्ड पेपर में टेक्स्ट बुक के ऑब्जेक्टिव ज्यादा नहीं आते आते हैं, इनको तो आपको याद रखना ही है, ये आया तो पक्का आपका मार्क्स मिलेगा आपको। लेकिन आगे और भी आपको करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स आप सिर्फ टेक्स्ट बुक के करोगे चलेगा, लेकिन एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आपको पूरे बुक प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, तो ये जरूरी है और ये स्कोरिंग होता है। थर्ड क्वेश्चन जो बनाया है हमने, फर्स्ट देख रहे, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड डैश। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस है, जीनियोलॉजी, बी एपिग्राफी, सी न्यूमिस्मेटिक्स एंड डी हिस्टोरियोग्राफी। तो चार ऑप्शन है ए बी सी डी। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस का क्या मतलब होता है, जब हमने चैप्टर समझा तभी भी बोला था, इंस्क्रिप्शंस मतलब जो लिखावट होती है स्टोन्स पे, पत्थर पे या ऐसे, तो उनको, या तो मेटल पे किसी पे, तो उसको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। तो इसकी जब स्टडी की जाती है तो उसको कहते हैं एपिग्राफी। ग्राफी मतलब आपको समझना चाहिए, ग्राफी मतलब लिखना, तो हिस्टोरियोग्राफी मतलब हिस्ट्री का लिखना, तो ये हिस्टोरियोग्राफी तो लार्जर टर्म है, एपिग्राफी इसका आंसर आएगा, एपिग्राफी। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड डैश। तो यहाँ चार ऑप्शंस फिर से वही है, जीनियोलॉजी, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, हिस्टोरियोग्राफी। तो अब एपिग्राफी तो आपको समझ में आ गया, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस है। न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स इज रिलेटेड टू नंबर्स, आप नंबर से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो कॉइन्स भी हम काउंट करते हैं, कितना पैसा, नंबर की बात है। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ कॉइन्स को अभी को याद रखना है, इसको कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन पे जाते हैं, तो ये सब आपके टेक्स्ट बुक में मेंशनड है, आपको याद रखना है। स्टडी ऑफ लिनियज इज कॉल्ड डैश। तो यहाँ पे भी चार ऑप्शन है, जीनियोलॉजी, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स और हिस्टोरियोग्राफी। एपिग्राफी न्यूमिस्मेटिक्स हमने समझ लिया, हिस्टोरियोग्राफी को हिस्ट्री का स्टडी को कहते हैं, तो जीनियोलॉजी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जीनियोलॉजी। लिनियज का क्या मतलब होता है, लिनियज मतलब आपके पूर्वज, पूरा आपका जो फैमिली ट्री बनाते, फादर, ग्रैंड फादर, फोर फादर्स का पूरा, तो उसको लिनियज बोलते हैं। तो जब लिनियज की स्टडी होती है तो वो हम क्या है, साइंस में भी जैसे हमने देखा है फर्स्ट चैप्टर में, साइंस टू में जीन्स के बारे में, कि हम जीन से इनहेरिटेंस मिलता है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो जीन्स जो है, तो ये जीन वर्ड से ही आता है, जीएनई, जीनियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ लिनियज इज कॉल्ड जीनियोलॉजी, ये आपको याद रखना है। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज डैश। तो क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव लिखा जा रहा है, मतलब राइटिंग मतलब हिस्ट्री लिखी जा रही है, किस तरीके से, क्रिटिकली। क्रिटिकल मतलब कैसे, नरेटिव मतलब जैसे नरेशन होता है, स्टोरी का नरेशन होता है, मतलब सुनाया जाता है ना,
जैसे प्लेस के अंदर नरेटर होता है, जो कहानी सूत्रधार, जो कहानी के बीच में उसका कनेक्टिविटी बताते हैं, जो बोलते हैं, तो वो नरेशन करते हैं। तो वो हिस्ट्री का जो नरेशन हो रहा है क्रिटिकली, अगर क्रिटिकली मतलब रीजनिंग करके, सही लॉजिक लगा के, क्वेश्चन करके, तो वो उसको क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव जब किया जाता है, वो राइटिंग को क्या कहते हैं? हिस्टोरियोग्राफी। फिर अगले सवाल पे जाते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन। द बुक डिस्कोर्स ऑन द मेथड वॉज रिटन बाय डैश। तो क्या ऑप्शन है? चार, वोल्टेयर, मिशेल फोकॉल्ट, रेने डेस्कार्टिस, और डी है कार्ल मार्क्स। तो डिस्कोर्स ऑन द मेथड, ये डिस्क जो डी आई एस सी है, यहाँ पे नाम में डी एस सी आपको याद रखना है, डिस्कोर्स इज डेस्कार्टिस। इसका करेक्ट ऑप्शन है रेने डेस्कार्टिस। फिर आठवां सवाल है, दास कैपिटल इज अ ट्रीटाइज बुक रिटन बाय डैश। तो चार ऑप्शंस फिर से वही है, वोल्टेयर, मिशेल फोकॉल्ट, रेने डेस्कार्टिस, कार्ल मार्क्स। तो इसमें से जो दास कैपिटल के राइटर है वो है कार्ल मार्क्स। और ये एक्चुअली आपका टेक्स्ट बुक का फिल इन द ब्लैंक नहीं होते हुए भी ये टेक्स्ट बुक का ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन में कार्ल मार्क्स का आएगा। कार्ल मार्क्स का गलत बुक कनेक्ट किया हुआ है पेयर्स में, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर में। तो कार्ल मार्क्स की बुक का नाम दास कैपिटल है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर नाइन्थ है, द मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज बेस्ड ऑन ऑपोजिट्स इज नोन एज। तो एनालिसिस किया जाता है ऑपोजिट्स के साथ, मतलब कि एक थीसिस होती है, एक एंटी थीसिस होती है। हमने ये सब टेक्स्ट बुक में चैप्टर में डिस्कस किया, क्वेश्चन आंसर में भी ये सब आएगा, तो तभी आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो बेस्ड ऑन ऑपोजिट्स मतलब थीसिस एंटी थीसिस, दो थ्योरी, एक थ्योरी आई उसके अगेंस्ट एक थ्योरी आई उसके उल्टी। तो थीसिस एंटी थीसिस को बोथ को स्टडी किया जाता है, और दोनों को सिंथेसाइज किया जाता है, मतलब के दोनों के दोनों का क्रक्स निकाल के दोनों को मिला के एक सिंथेसिस लाया जाता है। तो ये जो मेथड ऑफ एनालिसिस है जिसमें थीसिस एंथेसिस एंटीथीसिस जो ऑपोजिट्स है उनको मिला के फिर सिंथेसिस लाया जाता है, उस मेथड ऑफ एनालिसिस को डायलेक्टिक्स कहते हैं। तो ये हेजल ने इसको प्रमोट किया था, डायलेक्टिक्स। तो ये है। फिर टेंथ इज, हुज राइटिंग्स हेल्प्ड इन एस्टैब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म मतलब रिलेटेड टू वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन्स राइट्स। तो जो फंडामेंटल ऑफ फेमिनिज्म है उस वो किनकी राइटिंग की वजह से ग्रो हुआ? तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, मिशेल फोकॉल्ट, सिमोन डी ब्यूवर, जॉर्ज विलहेम फ्रीडरिक हेगेल हेजल एंड लियोपोल्ड वॉन रैंक। तो इसका करेक्ट आंसर है सिमोन डी ब्यूवर। तो उन्होंने जो लिखा था, तो हर राइटिंग्स हेल्प्ड इन एस्टैब्लिशिंग फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म। फिर 11th क्वेश्चन, द अर्लिएस्ट इंस्क्रिप्शन इन द वर्ल्ड इज डिस्प्लेड एट द लोवर म्यूजियम इन फ्रांस। ये म्यूजियम फ्रांस में है, तो आपको पता होना चाहिए पेरिस में, फ्रांस में। तो इसका आंसर आएगा फ्रांस। तो अर्लिएस्ट इंस्क्रिप्शन जो थे, आपकी बुक में उसका डायग्राम भी है। तो ये रहा, ये मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटेमिया में सुमेर सिविलाइजेशन था उस टाइम का, ये इंस्क्रिप्शन है। तो दिस इज द अर्लिएस्ट नोन इंस्क्रिप्शन इन द वर्ल्ड। ये देखो पत्थर पे ये जो लिखावट है, ड्रॉइंग है, उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। फिर अगला सवाल है 12th वन, आफ्टर 1990 हु कंसिडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास। तो 1990 के बाद किसको एक इंडिपेंडेंट सोशल क्लास माना गया? ये 1990 के बाद है, मतलब रीसेंट 1990s में। तो बैकवर्ड क्लास, वुमेन, चिल्ड्रन या एल्डरली। यहाँ का करेक्ट आंसर है इधर वुमेन। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट वन ए हो गया। अगर आपने 9 मिनट तक अब तक वीडियो देख लिया, सारे ऑब्जेक्टिव समझ लिए, तो मतलब इसका है कि आप इंटरेस्टेड हो स्टडी में, और आपको अगर सक्सेस चाहिए तो वो सक्सेस आपको मिलेगी। सक्सेस इज नो एक्सीडेंट, इट इज हार्ड वर्क, परसिवरेंस, लर्निंग, स्टडिंग, सैक्रिफाइस, एंड मोस्ट ऑफ ऑल लव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग और लर्निंग टू डू। आपको प्यार होना चाहिए जो चीज आप कर रहे हो, और आप या तो जो चीज आप कर नहीं रहे हो, सीख रहे हो करने को, उससे अगर आपको लगाव है, प्यार है, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। एक्सीडेंटली सक्सेस नहीं मिलती। आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपके सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स इजीली कवर हो जाएंगे, और ये पूरा कोर्स 6 मंथ्स में कंप्लीट होगा। हमारे जो इस दो पैटर्न्स में कोर्सेज बनाए गए, एक है स्टिमुलस कोर्स और एक है बूस्टर कोर्स।
आपको अगर सिर्फ एक्सप्लेनेशंस की जरूरत है तो हमारे स्टिमुलस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हेल्प की जरूरत है तो हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ आप साइंस कर सकते हैं जिसमें साइंस वन साइंस टू दोनों कवर होगा। सेकेंड कोर्स है बूस्टर कोर्स, जिसमें आपको कम्प्लीट कवरेज मिलेगा, क्योंकि सिर्फ एक्सप्लेनेशन सुनना, सिर्फ डाउट क्लियरेंस करना या टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर आपको हम वीडियो पे बता दे, उससे आपकी तैयारी पूरी नहीं होती। आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो अब जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, 1B। तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है आपकी बुक में। दो क्वेश्चन हमने देखे टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन थे, चूज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी हमने और 10 एक्स्ट्रा किए। अब 1B है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड इन द फॉलोइंग एंड करेक्ट इट एंड रीराइट। एक्चुअली अब ये पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, टेक्स्ट बुक में तो ये पैटर्न है, लेकिन फर्स्ट ईयर जब बोर्ड का एग्जाम हुआ इस न्यू पैटर्न से, न्यू टेक्स्ट बुक से, वो था मार्च 2019 में। उसके बाद मार्च 2020 में पैटर्न चेंज हुआ है, 60 मार्क्स का हिस्ट्री पेपर की जगह अब 40 मार्क्स का पेपर है, तो इंटरनल मार्क्स भी आ गए हैं। तो ये एक्चुअली अब आपको रॉन्ग पेयर आइडेंटिफाई करना है, रीराइट नहीं करना है। तो ये एक मार्क का ही सवाल होता है, पहले 2 मार्क का सवाल था, तो 2 चीजें करनी थी, लेकिन हम फिर भी राइट पेयर भी सीख लेंगे, ऐसे कुछ डिफिकल्ट नहीं है वो। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए, इनमें से एक पेयर गलत है। मतलब ये देखो, हिस्टोरियन का नाम है और उनकी किताब का नाम है, जॉर्ज विलहेम फ्रीडरिक हेजल, इनकी बुक है रीजन इन हिस्ट्री, ये करेक्ट है। लियोपोल्ड वॉन रैंक, द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, ये भी करेक्ट है। हेरोडोटस द हिस्ट्रीज, ये भी करेक्ट है। और कार्ल मार्क्स लिखा है डिस्कोर्स ऑन द मेथड। और अगर आपने अब तक ध्यान से सुना है, ऑब्जेक्टिव सही से देखे, जो 12 फिल इन द ब्लैंक्स किए हमने, तो आपको पता होगा डिस्कोर्स इज डेस्कार्टिस, रेने डेस्कार्टिस, और कार्ल मार्क्स की बुक थी दास कैपिटल। तो ये एक्चुअली रॉन्ग पेयर है, तो आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर का आंसर आएगा, आपको पूरा ये लिखना है, 4 कार्ल मार्क्स डिस्कोर्स ऑन द मेथड, ये रॉन्ग पेयर है। उसके बाद आपको करेक्ट करके लिखना होगा, अगर तो करेक्ट पेयर होगा कार्ल मार्क्स दास कैपिटल, है ना, तो ये आपका आंसर होगा। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये कि रेने डेस्कार्टिस की किताब थी डिस्कोर्स ऑन द मेथड। और एक चीज आपको याद रखनी है कि टेक्स्ट बुक के आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर क्वेश्चंस आते हैं, और ये मार्च 2019 में भी पूछा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको जो रॉन्ग पेयर टेक्स्ट बुक में दिया है वही है। जैसे कार्ल मार्क्स डिस्कोर्स ऑन द मेथड यहाँ पे गलत है, आपको ये आ गया कि अच्छा कार्ल मार्क्स दास कैपिटल है, लेकिन आप बाकी 3 को ध्यान से देख नहीं रहे कि हाँ ये तो सही है, ये गलत अप्रोच है। आपको ये कार्ल मार्क्स दास कैपिटल दे देंगे और यहाँ 3 में से किसी को चेंज कर देंगे। तो ऐसे करके भी टेक्स्ट बुक के सवाल पूछते हैं थोड़ा ट्विस्ट करके, तो आपको याद रखना होगा ये सब। और हम जब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो ये और इजी हो जाएगा आपके लिए। हेरोडोटस तो सबसे इनिशियल ग्रीक बुक है, द हिस्ट्रीज, तो ग्रीस जो थे, ग्रीस में हिस्ट्री का मेन डेवलपमेंट हुआ है। हिस्टोरियोग्राफी, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी हम वोल्टेयर कहते हैं, लेकिन हिस्ट्री की बात करें अगर तो हेरोडोटस का नाम सबसे पहले आता है और उनकी बुक थी द हिस्ट्रीज। ये है देखो कार्ल मार्क्स किताब दास कैपिटल, ये सबसे ज्यादा पढ़ी गई किताब है वर्ल्ड में। अब ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से देखो। सेकंड क्वेश्चन है आपकी बुक में, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, डायलेक्टिक्स। तो डायलेक्टिक्स क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2020-2019 में नहीं पूछा है तो आगे पूछ सकते, मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है। तो आंसर इसका क्या है, कंसेप्ट डायलेक्टिक्स को एक्सप्लेन करना है, हमने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक ऑब्जेक्टिव्स में देखा। According to Hegel, in order to understand the true nature of things, one needs to know both true and false. Similarly, good and bad. मतलब both true or false को हमको समझना है कि क्या है, theses antitheses. So this method of analysis, which is based on opposites, is known as dialectics. ये हमारा fill in the blanks का statement है. In this method, a theory is proposed. सबसे पहले एक beginning में, at the beginning एक theory लाते हैं जिसको कहते हैं thesis. फिर उसके ऑपोजिट एक थ्योरी लाते हैं, देन अनदर थ्योरी इज प्रपोज्ड विच इज कॉन्ट्रडिक्टरी। कॉन्ट्ररी मतलब अपोजिट टू द थीसिस। आपको कॉन्ट्ररी वर्ड याद नहीं रहता तो आप अपोजिट लिख सकते हैं, तो इसको एंटी थीसिस कहते हैं। तो ये जो की वर्ड है सेंटेंसेस में उसको हमने येलो किया है, बोल्ड हाईलाइट किया है, तो नो बोथ ट्रू एंड फॉल्स, और ये हेजल ने दिया है। तो स्टार्ट आपका आंसर हमेशा अकॉर्डिंग टू हेजल से होना चाहिए, डायलेक्टिक्स हेजल से रिलेटेड है। तो नो बोथ ट्रू एंड फॉल्स, और फिर मेथड ऑफ एनालिसिस बेस्ड ऑन ऑपोजिट्स, तो इसको डायलेक्टिक्स कहते हैं। फिर इसको इसमें थीसिस एंटीथीसिस होता है, और फिर सिंथेसिस आएगा, आगे आंसर देखते हैं। आफ्टर अ थियोरोलॉजिकल डिस्कशन ऑफ द बोथ द थीसिस, बोथ न्यू थीसिस इज प्रपोज्ड, मींस ऑफ द बोथ मींस बोथ थीसिस एंड एंटीथीसिस। फिर दोनों का लॉजिकल डिस्कशन करके न्यू थीसिस जो आती है उसको एंटीथीसिस और थीसिस को मिला के जो होते हैं उसको कहते हैं सिंथेसिस।
तो यही है उसके अंदर थीज एंड सिंथेसिस में दोनों का जिस्ट होगा। जिस्ट मतलब के दोनों का जो निचोड़ है, दोनों का जो मेन पॉइंट्स है, थीसिस का भी और एंटीथीसिस का। जिस्ट ऑफ बोथ थीसिस एंड एंटीथीसिस इज देयर इन सिंथेसिस। तो ये जो न्यू थीसिस आएगी दोनों को मिला के उसको कहते हैं सिंथेसिस। तो ये आपका आंसर है, राइट शॉर्ट नोट ऑन डायलेक्टिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखो और आप इसको बार बार पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा। ये देखिए, तो ये थीसिस आई, न्यू आइडिया, फिर उसके ऑपोजिट एक आइडिया आई, इसको इसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए कि ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो एक एंटीथीसिस आएगी, ऑपोजिट आइडिया, है ना। जैसे आप बोलो कि आप लिख लिख के याद कर सकते हो, तो ये एक थ्योरी है, थीसिस है। फिर दूसरा आता है, नहीं आप लिख लिख के नहीं याद रख सकते, आप सुन सुन के याद रखो, तो वो एंटीथीसिस है कि नहीं ये गलत है, ऐसा होना चाहिए। तो दोनों थीसिस एंटीथीसिस आएगी, दोनों का आप मेल करेंगे कि आप बार बार सुनोगे भी, लिखोगे भी, थोड़ा दोनों की थोड़ी थोड़ी चीजें आप इनकॉर्पोरेट करोगे और सिंथेसाइज करके आप उसको आगे लेके जाओगे। तो इसको पूरे प्रोसेस को डायलेक्टिक्स कहते हैं। तो ये थीसिस है, फिर ऑल्टरनेट आइडिया आई तो एंटीथीसिस है, दोनों को मिलाया तो सिंथेसिस बना, फिर सिंथेसिस जो है वो न्यू थीसिस बन गई, फिर इसके अगेंस्ट भी एक अलग आइडिया आई, तो अगेन सेम प्रोसेस कंटिन्यू होगा। फिर शॉर्ट नोट में दूसरा सवाल है, तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट। सेकेंड इज एनल स्कूल। ये क्वेश्चंस आपको आएंगे तो ये मेजरली आपको कम से कम 2 मार्क और ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, और ये एक्सपेक्टेड है, ये 2 मार्क के लिए सवाल आएगा। तो एटलीस्ट 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हो एनएल स्कूल, लेकिन डायलेक्टिक्स में आप पॉइंट्स कम नहीं कर सकते क्योंकि आंसर पूरा नहीं होगा, तो वो आपको अच्छे से याद करना ही है। एनएल स्कूल का क्या आंसर है? फर्स्ट पॉइंट है, एट द ऑनसेट ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं सदी में, 20th सेंचुरी मीन स्टार्टिंग फ्रॉम 1901, जो हम 21st सेंचुरी में 2001 से स्टार्ट होती है जो, तो एट द ऑनसेट ऑफ द 20th सेंचुरी, अ न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी अरोज इन फ्रांस, विच इज नोन एज एनएल स्कूल। इट वॉज रिकोगनाइज नाउ दैट हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग्स, ग्रेट लीडर्स एंड अकॉर्डिंगली पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी एंड वॉर्स, बट ऑल्सो अबाउट द क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिविजन्स एंड देयर कलेक्टिव साइकोलॉजी एक्सेट्रा इन हिस्टोरिकल टाइम्स। तो एक्चुअली इसका आंसर 2 पॉइंट में ही हमने कवर किया, क्योंकि काफी कवरेज हो जाता है, तो 2 मार्क्स के लिए इतना आंसर भी आप लिखोगे तो अच्छा कवरेज हो जाता है। और एक सेंटेंस जो बुक में कि फ्रेंच हिस्टोरियंस ने शुरू किया एनएल स्कूल, तो आपका फर्स्ट पॉइंट में आ ही जाता है कि फ्रांस में ये शुरू हुआ। तो 20th सेंचुरी में एक नई स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी आई फ्रांस में, इसको एनएल स्कूल कहते हैं। तो ये एनएल स्कूल जो हिस्टोरियोग्राफी की थी वो अलग कैसे है, क्योंकि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते तो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि कौन कौन राजा थे, उनकी उनके सक्सेशन कैसे था, पहले कौन राजा था, फिर उसका बेटा राजा बना, कैसे कैसे कौन कौन किंग्स आए, ग्रेट लीडर्स के बारे में पढ़ते कि कौन कौन ग्रेट लीडर्स आए, उनकी पॉलिटिक्स जो थी, वॉर्स कौन सी हुई, इंपॉर्टेंट वॉर्स और ईयर्स याद रखते, ये सब हिस्ट्री हम पढ़ते। लेकिन एनएल स्कूल इज अ न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, तो इसके अंदर बोला गया कि ये सिर्फ ये नहीं पढ़ना है, ये तो पढ़ेंगे हिस्ट्री में, इसके अलावा और भी कुछ है, किंग्स, ग्रेट लीडर्स, वॉर्स, ये एटलीस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप सब कुछ नहीं याद रख सको, तो एटलीस्ट इतना लिख के आप आंसर कंटिन्यू कर सकते। किंग्स, ग्रेट लीडर्स, वॉर्स के बारे में ही नहीं है, नॉट ओनली अबाउट देम बट ऑल्सो अबाउट क्लाइमेट, ये हिस्ट्री मतलब क्लाइमेट, उस टाइम के क्लाइमेट के बारे में बताओ, उस टाइम के लोकल पीपल के बारे में बताओ, वो क्या काम करते थे, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या था उनका, वो कैसे उनका इकोनॉमी चलती थी, सोशल डिविजन्स क्या थे, है ना, अनटचेबल्स वगैरह या जो भी है, लोक कास्ट, हाई क्लास, तो क्या था वो, तो उनकी कलेक्टिव साइकोलॉजी कैसी थी, वो सब भी हिस्ट्री में पढ़ना है, हिस्टोरिकल टाइम्स में ये कैसा था वो भी करना है। तो ये दोनों मिला के हिस्ट्री की स्टडी कंप्लीट होती है। तो ये जो कंसेप्ट दिया गया ये न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी एनएल स्कूल कहा जाता है। तो यही मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है एक्चुअली। ये है एनएल स्कूल जो बियॉन्ड द इवेंट का है, मतलब सिर्फ किंग्स वॉर्स के बारे में नहीं सीखो और भी सीखो, ये फ्रांस में थी, एनएल स्कूल इज ऑफ फ्रांस, तो ये आपको याद रखना है। फिर अगला सवाल है, थर्ड आपका आता है अभी, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ इट्स रीजन। तो ये गिव रीजन ही है एक्चुअली। पहला सवाल है, हिस्टोरिकल रिसर्च वाज ड्रिवन टू फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाइफ। तो हिस्ट्री में भी वुमेन के बारे में एम्फेसिस करते हुए टाइम आया कि हिस्टोरिकल रिसर्च अब वुमेन्स लाइफ के बारे में भी स्टडी करे। तो ये कब हुआ, इसका रीजन दो, एक्सप्लेन विथ रीजन। तो इसका आंसर है, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मींस रीस्ट्रक्चरिंग हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन।
तो ये फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी होती है, हमने ऑलरेडी देखा। राइटिंग्स ऑफ सिमोन डी बेवर ऑफ फ्रांस हेल्प्ड इन एस्टैब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म, ये भी हमने फिल इन द ब्लैंक में देखा। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी एम्फसाइज नॉट ओनली ऑन इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री बट ऑल्सो ऑन रीथिंकिंग ऑफ द मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। It drove historical research to focus in depth on various aspects of women's life, such as their employment, family life, etc. Women के बारे में बहुत सारे words और दिए गए, लेकिन जो उनका employment है, वो क्या काम करते हैं, उनकी family life कैसी है, उसके ऊपर भी history को focus करना चाहिए। तो वुमेन पर्सपेक्टिव हिस्ट्री में लाया जाए, नॉट ओनली कि वुमेन के बारे में भी लिखो बट मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव जो हिस्ट्री का है उसको भी चेंज करने की जरूरत है, रीथिंक करने की जरूरत है, ये फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कहती है। तो यही है, तो ये सब हुआ जब फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी शुरू हुई, सिमोन डी बेवर की राइटिंग्स आई, वो भी फ्रांस से थे, एनल स्कूल भी फ्रांस से था। तो इसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म एस्टैब्लिश हो गया, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी फिर इस पर्सपेक्टिव से सोचने लगी, इसलिए हिस्टोरिकल रिसर्च भी फोकस करने लगी ऑन वुमेन्स लाइफ। तो ये रीजन हो गया, तो ये आपके चार पॉइंट्स है कि रीजन। यही क्वेश्चन का और एक भी है, दो सवाल है आपके टेक्स्ट बुक के पीछे, दोनों का आंसर यही है, तो ऑलमोस्ट सेम आंसर है। ये आपका गिव रीजन है कि ये स्टेटमेंट का आपको लास्ट में देखो सेम स्टेटमेंट आता है, ड्रॉ हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस इन डेप्थ ऑफ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाइफ सच एज द एम्प्लॉयमेंट फैमिली लाइफ एक्सेट्रा। यही ये फिल इन द ब्लैंक ये गिव रीजन हो गया। और एक सवाल है आंसर इन डिटेल में, वहां पे क्वेश्चन है व्हाट इज फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, तो उसका आंसर भी यही आएगा कि फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मीन्स क्या, हिस्ट्री फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन, फिर सिमोन डी बेवर के बारे में लिख के, और कैसे वो रीथिंकिंग चाहिए हमको, सिर्फ वुमेन इंक्लूड नहीं करना, ये थर्ड पॉइंट। और लास्ट तो ये आपका जो गिव रीजन का स्टेटमेंट है वो है, तो चार पॉइंट्स का आपका गिव रीजन भी है और चार पॉइंट्स का आंसर इन डिटेल भी है। फिर अगला है, तो यहाँ पे सिमोन डी बेवर का एक स्टेटमेंट दिया गया है, द पॉइंट इज नॉट फॉर वुमेन सिंपली टू टेक पावर आउट ऑफ मेन्स हैंड्स। मतलब ऐसे नहीं है कि फेमिनिज्म मतलब वुमेन के हाथ में पावर आ जाना चाहिए, अभी मेन के हाथ में पावर है फिर वुमेन के हाथ में पावर आ जाए, ये फेमिनिज्म नहीं है वो कहते हैं। सिंस दैट वुडंट चेंज एनीथिंग अबाउट द वर्ल्ड, उससे कुछ भी दुनिया में बदलने वाला नहीं है। अगर वुमेन के पास पावर आ गया, मेन से पावर निकल के वुमेन के पास आ गया, तो उससे कुछ नहीं बदलेगा वो कहते हैं। इट्स अ क्वेश्चन प्रिसाइसली ऑफ डिस्ट्रॉइंग दैट नोशन ऑफ पावर, तो वो कहते हैं ये पावर का नोशन हमको डिस्ट्रॉय करना है, मतलब एक पावरफुल है एक पावरफुल नहीं है ऐसे नहीं सोचना है, मैन वुमेन आर इक्वल इन दैट सेंस। तो वो एम्फसाइज कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, जैसे हम काफी सारे ऐसे नो क्रिटिक्स और ऐसे प्लेस भी देखते हैं जिसमें ऐसे बताया जाता है कि अब वुमेन के हाथ में पावर आ गया है, अब वुमेन रूल करती है, तो ऐसे कॉमेडी सटायर भी काफी बनाए जाते हैं, तो वो उल्टा सब चलता है कि कैसे मेन अभी बेचारे हो गए और वुमेन पावरफुल हो गई है, तो उससे वो फेमिनिज्म नहीं है, उससे कुछ नहीं बदलेगा, बदलना क्या है डिस्ट्रॉइंग द नोशन ऑफ पावर, ऑल आर इक्वल बी इट अ वुमेन और अ मैन। तो ये उनके थॉट्स थे, शी एस्टैब्लिश द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म। फिर अगला सवाल है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद इट्स रीजन, तो यही थर्ड क्वेश्चन का एक्चुअली सेकंड पार्ट है ये, एक हमने हिस्टोरिकल रिसर्च का देखा फेमिनिज्म का, सेकंड है फॉकॉल्ट कॉल्ड हिज मेथड आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, तो ये गिव रीजन है कि ऐसे उन्होंने क्यों कहा, अपनी मेथड को आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज क्यों कहा। आर्कियोलॉजी आपको समझना चाहिए, आर्कियोलॉजी जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो एक्चुअली जमीन खोद के वहां पे जो एक्सकेवेशन करते हैं, जमीन खोद खोद के अंदर तक जाते हैं और पुरानी चीजें उनको नो इवन स्केलेटन्स मिलेंगे, पुराने बर्तन मिलेंगे, पुराने टुकड़े कपड़े जो भी सब मिलेगा उसकी वो निकाल के उसकी स्टडी करते हैं। और आर्कियोलॉजी कैसे होता है, वो एक लेयर मिलता है उनको, कुछ भी चीजें मिलने लगती है तो पूरा एक स्ट्रेच होता है, वो पूरा वो डिग करते खोदते और उनको वहां से सब चीजें मिलती है, फिर वो उसको लेके उसको स्टडी करते और उसके बाद और नीचे खोदते, तो और नीचे जब खोदेंगे तो और वहां पे पुराना सिविलाइजेशन मिलेगा, जितना नीचे जाएंगे उतना पुराना सिविलाइजेशन पुरानी चीजें मिलेगी। तो ये जो बात होती है आर्कियोलॉजी ऐसे होता है, तो जो नॉलेज भी होनी चाहिए आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज फॉकॉल्ट कहते हैं ऐसे ही मेथड होनी चाहिए उसकी, तो हम ये रीजन इसका समझेंगे, फॉकॉल्ट कॉल्ड हिज मेथड आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव रीजन। आंसर इज नंबर वन, द फ्रेंच हिस्टोरियन मिशेल फॉकॉल्ट, अब देखो सिमोन डी बेवर भी फ्रेंच थे, मिशेल फॉकॉल्ट भी फ्रेंच थे, उनकी बुक का नाम है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ही आर्ग्यूड दैट द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नॉट राइट, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट से, कि ये डेट फिर ये डेट में ये हुआ ये डेट में हुआ,
ऐसे नहीं, ही ड्रू अटेंशन टू द फैक्ट दैट आर्कियोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव टू रीच द अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रुथ बट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन वेरियस ट्रांजिशंस इन द पास्ट. Foucault felt that explaining the transitions in history is more important, therefore he called his method archaeology of knowledge. क्या मतलब हुआ इसका कि archaeology जो करते हैं उससे हमको सिर्फ एकदम नीचे तक पहुंच जाना ऐसे नहीं होता, डिग कर करके ultimately क्या था बहुत पुराना ऐसे मिल जाएगा, कुछ ultimate कोई चीज मिल जाएगी, जैसे कि हीरा ढूंढ रहे सबसे नीचे जाके हीरा मिल जाएगा ऐसे नहीं होता. वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अटेम्प्ट क्या है कि जो ट्रांजिशंस है, जो चेंजेस है कि ये सिविलाइजेशन था उसके पहले ये था उससे पुराना ये था, वो पूरा उसको स्टडी कर रहे, कुछ नीचे एकदम जाके कुछ मिल रहा है ऐसे नहीं होता. तो वैसे आर्कियोलॉजी जैसे ऐसी नहीं है, वैसे ही उन्होंने बोला कि हिस्ट्री में भी ट्रांजिशंस को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले ऐसा था फिर ऐसा हुआ, सिर्फ डेट याद रखे क्या हुआ वो करना जरूरी नहीं, उसको समझना जरूरी है, एक्सप्लेन करना ट्रांजिशंस इन हिस्ट्री तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर इम्पॉर्टेंट. इसलिए उन्होंने अपनी मेथड को आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज का. तो ये आर्कियोलॉजिस्ट जो स्टडी करते डिग करके. फिर अगला है फोर्थ क्वेश्चन. तो हमने चूज द करेक्ट ऑप्शन देखा, फिल इन द ब्लैंक्स. सेकंड हमने आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर देखा, फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स तो देखे, फिर गिव रीजंस देखे. अब आता है फोर्थ क्वेश्चन, आंसर इन 25 टू 30 वर्ड्स. और पहला सवाल है व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी. तो ये सिंपल आंसर है, हिस्टोरियोग्राफी क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव हमने ऑलरेडी देखा. द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल सोर्सेज इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी. A scholar who writes such a narrative is known as a historian. तो historiography क्या होता है, यहाँ पे सबसे important है ये critical historical narrative, ये आपको लिखना जरूरी है. कैसे writing कर रहे हैं history की, हम critically examine कर रहे हैं किसको, even historical sources को, कि कहाँ से history लिखी जा रही है, पुराने sources जो है पुरानी किताबों में से या पुराने लोगों के जो बातें हैं जो भी हम कर रहे हैं, तो उसको critically examine करना है कि ये सच है ये सही है, फिर उसको लिखना है. Writing of critical historical narrative by critically examining the historical sources is known as historiography. और जो scholar ऐसे लिखता है उसको historian कहते हैं. तो ये 25 to 30 words में आपको answer लिखना है. फिर अगला है same answer the following in 25 to 30 words में, जो second सवाल है वो है what did René Descartes insist upon. तो रेने डेस्कार्टेस इंसिस्टेड ऑन वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग दैम. वही है जो हिस्टोरियोग्राफी है, सोर्सेस को क्रिटिकली एग्जामिन करो कि रिलायबल है भी कि नहीं. उन्होंने बुक लिखी थी, हमने ऑलरेडी देखा डिस्कोर्स ऑन द मेथड. तो अमंग द रूल्स गिवन बाय हिम इन हिज बुक, ये बुक में जो रूल्स थे उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड. कि कुछ भी बोला जाए तो उसको सिर्फ सच नहीं ले लेने का, जैसे कुछ भी बोला गया आपको वो सच नहीं ले लिया, लेकिन उसके उसको उसके ऊपर उसको क्रिटिकली एग्जामिनिंग करना है उसका, उसको उसके बारे में सोचना है, सारे जो डाउट्स है उसको हटाने, जब तक डाउट्स नहीं हटते तब तक आप उसको सच नहीं लोगे. तो क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, जो बोला गया वो सच है ऐसे नहीं मानना है. तो ये रेने डेस्कार्टिस का जो है रूल था, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड, कि डाउट करने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो फिर उसको एक्सेप्ट करो. तो ये दो आंसर इन 25 टू 30 वर्ड्स में, ये उनकी बुक का नाम आपको याद रखना है डिस्कोर्स ऑन द मेथड रेने डेस्कार्टेस. उन्होंने भी एक कोट दिया है, इट इज नॉट इनफ टू हैव गुड टैलेंट, द मेन थिंग इज टू अप्लाई इट वेल. आपके पास टैलेंट है, आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपको इनहेरेंट टैलेंट मिला है वो, तो वो इनफ नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा, आपको उसको अप्लाई करना है, मतलब उसको डेवलप करना है, उसको बिल्ड करना है, तो ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे. फिर अगला है थर्ड क्वेश्चन, वही 25 टू 30 वर्ड्स में, व्हाई इज वोल्टेयर सेड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. तो वोल्टेयर को फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं, ये आपका फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है जो ऑलरेडी मार्च 2020 में पूछा, और मार्च 2020 में ये भी सवाल पूछा, गिव रीजन में पूछा, वोल्टेयर इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, गिव रीजन. तो वही हुआ, वाई मतलब रीजन ही हम ढूंढेंगे, और ये सिर्फ मार्च 2020 में नहीं पूछा, उससे पहले मार्च 2019 में भी ये सवाल आ चुका है, मतलब ये रिपीट क्वेश्चन आ चुका है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. तो इसका आंसर क्या आएगा, वोल्टेयर ओपाइंड, मतलब उनकी ओपिनियन थी, दैट अलोंग विद ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स
कंसिडरिंग सोशल ट्रेडिशंस, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा वॉज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट इन हिस्टोरियोग्राफी. इट गेव राइज टू द थॉट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री राइटिंग. दस वॉल्टेयर इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. तो वॉल्टेयर ने जो अपने ओपिनियन दी, उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ तो ढूंढना है, क्रोनोलॉजी तो पढ़ना है, ऐसे नहीं कि वो जरूरी नहीं है, बट वॉट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज ये सब सोशल ट्रेडिशन, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ये भी समझो, ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. तो ये जो है वॉल्टेयर सबसे अर्लीस्ट थे, इसीलिए उनको फाउंडर बोला जाता है. हम हिस्टोरियोग्राफी, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में हम पूरा यही सीख रहे हैं, सबके ओपिनियंस यही थे, एनल स्कूल के, मिशेल फौकॉल्ट के एंड इवन वॉल्टेयर के, पर वॉल्टेयर वॉज द फाउंडर, वो सबसे अर्लीस्ट थे. तो इट गेव राइज टू द थॉट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉर्टेंट. मतलब हिस्ट्री जब बोले जाता है तो हिस्ट्री हम क्या पढ़ते हैं, राजाओं की कहानी पढ़ते हैं. वहाँ वो टाइम के लोग कैसे थे उनकी कहानी पे, हम उनकी बातों पे, वो स्टडी करने पे एम्फोसिस नहीं देते. तो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ को स्टडी करना है, सिर्फ पॉलिटिक्स में क्या हो रहा था वो नहीं स्टडी करना है हिस्ट्री में, इवन ह्यूमन लाइफ कैसी थी वो स्टडी करना है. तो इसको मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं. तो इसके फाउंडर जो थे वो वॉल्टेयर थे. तो उनके ओपिनियन के बाद ये नया थॉट पैदा हुआ, इट गेव राइज टू द थॉट, तो इसीलिए उनको फाउंडर कहते. फिर ये रहे वॉल्टेयर, और एक कोट है यहाँ पे आपको मोटिवेट करने के लिए, इट इज द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग द ग्रेटर यू विल फील व्हेन यू अचीव. जब आप बहुत मेहनत करोगे कुछ काम करने के लिए और फिर आपको सक्सेस मिलेगी तो आपको तब और अच्छा लगेगा. बिना हार्डवर्क के कुछ मिल जाता है, लक से कुछ मिल जाता है तो थोड़ी देर के लिए खुशी तो होती है पर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता. लेकिन जब हार्डवर्क करके आपको कुछ मिलेगा तो आपको जो हैप्पीनेस मिलेगी और जो आपको अपने बारे में आपका जो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा वो कंपेयर नहीं किया जा सकता और कोई चीज से. फिर अगला है फिफ्थ क्वेश्चन, ये कंसेप्ट चार्ट है, कंप्लीट द कंसेप्ट चार्ट. तो ये बहुत सिंपल है, आपने इतना सब पढ़ लिया आप तो इजीली ये सवाल अब कर सकते हो. नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप, और चार बॉक्सेस है जो आपको फिल करने हैं. तो ये आप इजीली फिल कर सकते हैं. हमने काफी सारे स्कॉलर्स के नाम देखे, जो सबसे इजी वाले नाम है वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे. जो चार नाम क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले रेने डेस्कार्टस, सेकेंड यू कैन राइट अबाउट वॉल्टेयर, थर्ड इज कार्ल मार्क्स एंड फोर्थ इज मिशेल फौकॉल्ट. तो ये हम सारे आंसर्स में भी इनके नाम पढ़े आपको याद हो जाएंगे. तो ये बहुत इजी कंसेप्ट चार्ट है जो नहीं आया है और आ सकता है आगे साल में अभी. फिर लास्ट सवाल जो है आंसर इन डिटेल, इसके अंदर चार क्वेश्चन है, ये हमारा बचता है. तो अब इसमें पहला सवाल है, एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स क्लास थ्योरी. तो ये एक्चुअली मार्च 2019 में पूछ चुके हैं, इसका आंसर हम देख लेते हैं. According to Karl Marx, human relationships are shaped by the fundamental needs of people and the ownership as well as nature of prevalent means of production to meet those needs. इसका मतलब भी हम समझेंगे, explanation में already सिखाया था. The accessibility of these means to different strata of the society may not be equal. This inequality causes a division of the society into classes, leading to class struggle. Answer complete नहीं होता पर इतना समझते हम पहले. तो according to Karl Marx क्या था कि human relationships जो है वो किससे shape होते हैं, मतलब किसका relation किसके साथ कैसे होगा, ना rich का poor के साथ वगैरह, किसके ऊपर based है कि लोगों की जरूरतें क्या है. तो हमारी जरूरतें और किसके पास क्या है. तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, जैसे कि प्रोड्यूस करना है हमको कुछ, जैसे फैक्ट्रीज इंडस्ट्री में कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, तो जब उनको प्रोड्यूस करना है तो हमको मीन्स चाहिए. मीन्स मतलब कि मीन मतलब मीनिंग होता है और ये मीन्स अलग है, ये सिनोनिम बोले जाएगा. फिर मीन्स का मतलब होता है हमारे पास क्या अवेलेबल है, हमारे मीन्स क्या है, रिसोर्सेस क्या है, कि हम किससे प्रोडक्शन कर सकते हैं. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होगा फिर हमको जैसे लैंड चाहिए, हमको कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, हमको लेबर चाहिए, लोग चाहिए काम करने को. तो ये एक्चुअली मेन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मशीनरी चाहिए. तो ये सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में आएंगे. तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का नेचर और उनकी ओनरशिप, कौन उसको किसके पास है, जमीन किसके पास है, पैसा किसके पास है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है. ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर शेप्ड बाय फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल एंड ownership as well as nature of means of production. The means of production से वो needs complete होती है. लोग काम क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पैसा चाहिए. तो
उससे ही उनकी जरूरतें कंप्लीट होती है। तो ये कार्ल मार्क्स कह रहे ह्यूमन रिलेशनशिप इसके ऊपर बेस्ड है। फिर सेकेंड पॉइंट है द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दीज मीन्स टू डिफरेंट स्टेटा ऑफ सोसाइटी मे नॉट बी इक्वल। एक्सेसिबिलिटी मतलब एक्सेसिबल होना चाहिए, जैसे कि हम उसको पहुंच सके। तो जो ये मीन्स है उनकी एक्सेसिबिलिटी, उनकी पहुंच सबके बस की नहीं है। तो सोसाइटी अनइक्वल है, तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, सब कोई रिच है कोई पुअर है। तो एक्सेसिबिलिटी ऑफ दीज मीन्स टू डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, डिफरेंट स्ट्रेटा मतलब रिच पुअर ना मिडिल क्लास वगैरह ऐसे। तो जो स्ट्रेटा है उनके पास ये एक्सेसिबिलिटी इक्वल नहीं है सबको। जो रिच है उनके पास बहुत एक्सेसिबल है, ये इजिली उनको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मिल सकते हैं, पैसा चाहिए तो बैंक भी पैसा दे देगी उनको लोन इजिली, लेकिन गरीब को नहीं मिलेगा। तो ऐसे मिडिल क्लास बीच में है ऐसे, तो वो ऐसे करके एक्सेसिबिलिटी इक्वल नहीं है वो कहते हैं। तो ये इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी की वजह से क्या होता है, सोसाइटी में डिविजन होता है और क्लास स्ट्रगल शुरू होता है। वर्कर्स जो है ट्रेड यूनियंस बना के डिमांड करते हैं अपने राइट्स, हायर क्लास जो है वो अपने अलग ही होता है उनका। तो वो डिविजन की वजह से, इनइक्वालिटी की वजह से डिविजन होता है, फिर दोनों के बीच में जो है क्लास स्ट्रगल होता है। तो ये मेन कार्ल मार्क्स की क्लास थ्योरी है, आगे भी है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो कार्ल मार्क्स के हिसाब से ह्यूमन हिस्ट्री क्या है, ये क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री है। क्यों क्लास स्ट्रगल होता है, क्योंकि क्लास दैट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसके पास ये है जैसे अपर क्लास, वो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करते किसको, रेस्ट ऑफ द क्लासेस को। दास कैपिटल अ ट्रीटाइज रिटन बाय हिम इज द मोस्ट रेफर्ड बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये एक्स्ट्रा क्लास सेंटेंस है, आप लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है कार्ल मार्क्स की बुक है दास कैपिटल, बट दिस इज द मोस्ट रेफर्ड बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अभी इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट का मतलब भी हम समझ लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब क्या होता है इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट का, कि जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, कैपिटल है, वो वर्कर्स भी उनको मिल जाते हैं, पैसा देते हैं उनको, लेकिन वो ज्यादा काम कराते कम पैसा देते। इकोनॉमिक मतलब पैसे के बारे में, तो वो एक्सप्लॉइट करते उनका गैर फायदा उठाते, कम पैसे में ज्यादा काम करो, ज्यादा देर तक काम करो, यू नो प्रिविलेजेस कम कर देंगे उनके, रेस्ट टाइम कम कर देंगे। तो ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो होता है वही हिस्ट्री, क्लास स्ट्रगल इसीलिए होती है। तो वो हिस्ट्री में ये क्लास स्ट्रगल पढ़ो, वो कार्ल मार्क्स एम्फेसाइज करते थे। तो दिस इज द आंसर फॉर कार्ल मार्क्स क्लास थ्योरी। तो ये है देखो, जैसे प्रोडक्शन फैक्टर्स मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल मतलब पैसा, पूंजी जो लगाना पड़ता है बिजनेस में वगैरह, कैपिटल उसको कैपिटल कहते हैं, मनी बट इन लार्ज अमाउंट जो एक चीज में हमको लगाना है तो उसको कैपिटल कहते हैं। कैपिटल मतलब कंट्री का कैपिटल, स्टेट का कैपिटल भी होता है, वो भी कैपिटल होता है, लेकिन यहाँ कैपिटल का मतलब अलग है। जैसे हमने सीखा मींस का मतलब होता है अलग, प्रोडक्शन मींस ऑफ प्रोडक्शन में मींस का मतलब अलग है, मींस मींस रिसोर्सेस, यहाँ कैपिटल मींस मनी। फिर लैंड है, लेबर है वगैरह, तो ये सब यूज करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। और फिर प्रॉपर्टी, उनके उनके पास पैसा आता है तो वो और पैसा से और चीजें खरीदते हैं, और फिर वो इनइक्वालिटी बढ़ते जाती है, और इसकी वजह से सोशल रेवोल्यूशन भी होता है। तो वो कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी। फिर आंसर इन डिटेल का सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है, वॉट आर द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये एक्चुअली आपके जो है टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली आंसर दिया गया है, चार पॉइंट्स दी गई है, तो वही हम देखेंगे। द फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी आर, नंबर वन, इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। मतलब कि साइंटिफिक होना चाहिए, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है ये। इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रेलिवेंट क्वेश्चंस। These questions are anthropocentric. Anthropocentric क्या होता है? It means that these questions are about the deeds of the members of ancient human societies of a particular period. History does not suggest any interrelation between the divine and human deeds. तो ये दो पॉइंट्स है, और दो पॉइंट्स है वो हम बाद में देखेंगे, पहले इसको समझते हैं। तो फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की क्या होगी, पहले तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होना चाहिए, साइंस के बेसिस पे होना चाहिए, रीजनिंग होना चाहिए जो भी हिस्टोरियोग्राफी पढ़ी जा रही है। जैसे हमने देखा क्रिटिकल एनालिसिस करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है, तो वही है। तो पहले तो हमको रेलिवेंट क्वेश्चंस बनाने होंगे, हिस्टोरियोग्राफी पढ़ना है तो क्वेश्चंस उसके ऊपर बनाने पड़ेंगे, क्या सवाल हमारे हैं, रेलिवेंट क्वेश्चंस बनाने। और ये क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, क्या सवाल बनाएंगे हम हिस्ट्री पढ़ने के लिए, एंथ्रोपोसेंट्रिक क्वेश्चंस। मतलब कि पुराने टाइम में, जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि पुराने टाइम में लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था,
लोग कपड़े कैसे पहनते थे, लोग ना फैमिली लाइफ कैसी थी, तो वो सारा। तो ऐसे एंथ्रोपोसेंट्रिक सवाल बना। एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपोलॉजी भी एक सब्जेक्ट होता है, हायर क्लासेस में आता है। तो एंथ्रोपोलॉजी जो होता है, एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब ह्यूमन रिलेटेड, मैन के रिलेटेड। तो डीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एंशियंट सोसाइटी, डीड्स मतलब उनके काम, तो उनके कर्म। तो ये कर्म के ऊपर उनके जो है क्वेश्चंस हमको बनाने हैं। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया, क्योंकि इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में भी जो है, जैसे हम कर्म बोलते तो उसके हमको फल मिलेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल कौन देगा, भगवान देंगे। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे उन्होंने क्लियरली रिफ्यूट किया। वो बोले हिस्ट्री जब पढ़ना है तो हमको ये नहीं कहना है कि ये हुआ क्योंकि भगवान ने उनको वरदान दिया या कुछ। वो डिवाइन और ह्यूमन डीड्स का कनेक्शन करके हमको नहीं स्टडी करना है, हमको साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पे स्टडी करना है। तो ये क्लियरली वो सेकंड पॉइंट में और एक स्टेटमेंट ऐड करके क्लियर किया जाता है कि उनके जो डीड्स थे वो क्या काम करते थे, क्या था वो स्टडी करना है, कीपिंग द डिवाइन आउट, ऐसे वो बोल रहे हैं। हिस्ट्री में साइंटिफिक प्रिंसिपल यूज करके स्टडी करो तो हम उसकी क्लियर रीजनिंग ढूंढ सकते। तो वही है, जैसे कि अभी अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से काफी सारा बुरा हो रहा है, अगर हो ना तो फ्लड आते वगैरह, तो अगर हम कहे कि ये तो भगवान की वजह से ना, भगवान नाराज है और कर रहे, तो अगर ऐसे करेंगे हम तो उसका सोल्यूशन हम नहीं निकाल पाएंगे। अगर कोई रीजन है जिसकी वजह से ये हो रहा है तो वो रीजन को पहले हमको करेक्ट करना होगा, हमारे जो डीड्स है, हमारे जो काम है उनको करेक्ट करना होगा, जो एमिशंस हो रहे, कार्बन एमिशंस इतने, उसको कम करना होगा ताकि ऐसी चीजें ना हो। अगर सिर्फ भगवान पे सब छोड़ देंगे, बिलीव इन गॉड इज फाइन बट लीविंग इट टू दैट बिलीव कि वो जो चाहे वो करेंगे, तो हम तो कुछ नहीं करेंगे, फिर हम तो निठल्ले हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो वो हिसाब से उन्होंने यहाँ पे कीपिंग द डिवाइन आउट करके रीजन ढूंढ के उसको स्टडी करने के लिए कहा है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट में कि क्वेश्चंस बनाने हैं, और फिर वो क्वेश्चंस एंथ्रोपोसेंट्रिक होने चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चंस बनाने हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल यूज करके, एंथ्रोपोसेंट्रिक क्वेश्चंस बनाने हैं, और थर्ड पॉइंट फिर है answers to these questions are supported by reliable evidence. वही पूरी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है कि हिस्टोरिकल सोर्स रिलायबल होना चाहिए, एविडेंस रिलायबल होना चाहिए। तो क्वेश्चंस बनाए, कैसे क्वेश्चंस बनाए, थर्ड पॉइंट उनके आंसर्स बनाए, और फिर वही है फोर्थ पॉइंट कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री इज ग्राफ ऑफ मैनकाइंड्स नेचर जर्नी। तो मैनकाइंड की जो जर्नी हुई है पुराने टाइम से अब तक, विद हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमनिटी जो क्या क्या करते थे, उसकी जो पूरी जर्नी है वही हिस्ट्री है। तो वो फोर्थ पॉइंट है। तो फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी यही है, क्वेश्चन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बनाओ, एंथ्रोपोसेंट्रिक क्वेश्चंस बनाओ, आंसर्स रिलायबल एविडेंस के बेसिस पे लाओ, और वो ये फोर्थ पॉइंट इज ये कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री इज ग्राफ ऑफ मैनकाइंड्स जर्नी विद द हेल्प ऑफ सेम पास्ट ह्यूमन डीड्स। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब दो सवाल और बचते, तो बेयर विथ मी। और थर्ड क्वेश्चन इजी है क्योंकि हमने ऑलरेडी ये कवर कर दिया है, व्हाट इज फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, हमने गिव रीजंस में ऑलरेडी कहा, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3-1। तो ये आपको ऑलरेडी आता है, इसको आपको याद करने की भी वही है, सेम आंसर है, कम्प्लीटली सेम आंसर है। तो आपको इसको याद करने की भी फिर से जरूरत नहीं, वही आंसर आपने याद किया वही यहीं पे आएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये एक कोट भी है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, शी वाज आल्सो फेमिनिस्ट, एलिस वॉक का। उन्होंने कहा है द मोस्ट कॉमन वे पीपल गिव अप देयर पावर इज बाय थिंकिंग दे डोंट हैव एनी। हम सबसे सबसे जो कॉमन तरीका है कि लोग अपना पावर छोड़ देते, वो सोचते हैं, सबसे पहले वो सोचते हैं हमारे पास कोई पावर ही नहीं है, हम कुछ करना चाहते, हम यू नो पढ़ाई में अच्छा करना चाहते, लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते, कुछ बड़ा बनना चाहते, कुछ भी हो, वो स्टडी रिलेटेड हो या कुछ भी हो, अगर आप सोचो कि नहीं मेरे पास पावर ही नहीं है करने का, तो आप वो कर ही नहीं पाओगे। तो अगर पहले हमारी सोच आती है, हम सोचेंगे कि हम कर सकते हैं तो हम करेंगे। तो मोस्ट कॉमन जो पीपल है वो पावर सोचते हमारे पास है ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते, तो वो कभी कर भी नहीं पाते हैं। तो सोचते हम कर सकते हैं वही कर पाते हैं, वही फ्यू सक्सेसफुल पीपल होते हैं। फिर अभी लास्ट आंसर देख लेंगे हम, एक्सप्लेन लियोपोल्ड वॉन रैंक्स पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। तो लियोपोल्ड वॉन रैंक क्या कहते थे, ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ये सब मॉडर्न हिस्टोरियंस है तो क्रिटिकल वर्ड तो आएगा ही कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्रिटिकल होना चाहिए। ही पुट एम्फेसिस ऑन द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो वही है हिस्ट्री, फिर क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने ही चाहिए, और ऑल ऑल डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन भी करना चाहिए कि सही है कि नहीं है।
तो हिस्टोरिकल ट्रूथ ढूंढने के लिए हमको सारे डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करना है विद ग्रेटेस्ट केयर, एंड ही क्रिटिसाइज्ड इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री. तो वही है, ही आल्सो स्टेटेड दैट ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद अ हिस्टोरिकल इवेंट नीड टू बी एग्जामिन्ड विद ग्रेटेस्ट केयर टू रीच हिस्टोरिकल ट्रूथ. एंड ही क्रिटिसाइज इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री. इमेजिनेटिव नरेशन मतलब ऐसे इमेजिनेशन के हिसाब से, हाँ वो बहुत महान किंग थे तो उनके टाइम पे इतना बड़ा दरबार था, ऐसा था, इमेजिनेटिव ऐसा होगा ऐसा होगा. सच में हमारे पास हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है, कुछ हमने उसको एग्जामिन नहीं किया है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सही है क्या है, क्या आप बोल रहे डॉक्यूमेंट्स, वो नहीं. इमेजिनेटिव हमने बोलना शुरू कर दिया हिस्ट्री के बारे में. तो वो लियोपोल्ड वॉन रैंक क्रिटिसाइज करते थे. तो ये है लियोपोल्ड वॉन रैंक, उनकी बुक का नाम है द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, और ये आपके आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर में भी स्टेटमेंट है. तो उनकी बुक का नाम और उनके नाम से आपको कनेक्ट करके वे याद रखना है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री इज बाय लियोपोल्ड वॉन रैंक. तो यही है, हमारा यहाँ पे सेशन खत्म होता है. रिमेंबर, सक्सेस ऑल डिपेंड्स ऑन द सेकेंड लेटर, विच इज द सेकेंड लेटर, दैट सेकेंड लेटर इन द वर्ड सक्सेस. सक्सेस ऑल डिपेंड्स ऑन यू, यू कैन डू इट. Wish all the very best. Thank you. Subscribe to our YouTube channel and click the bell icon to never miss any new updates.